वरिष्ठ समाज सेवी पवन कश्यप ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रेस क्लब रुड़की कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मौजूदा सांसद डॉक्टर निशंक ने जनता की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि सांसद सिर्फ केंद्र सरकार के दावों पर टिके हुए हैं, जनता की मूल समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार की लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त देने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सांसद ने आज तक हरिद्वार के विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जिससे आम जन का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ दिल्ली और देहरादून में बैठकर ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हरिद्वार की जनता दर दर की ठोकरें खा रही हैं, जिसका जवाब जनता इस लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। मैं रणनीति लेकर आया हूँ अपने लोकसभा चुनाव के लिए। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ हरिद्वार में, और रणनीति मेरी ये है कि जो योजनाएं हैं गांव-गांव में पहुँचे, और जो गरीब हैं वो सरकार से जो जुड़े हुए हैं। और लोकसभा सीट के लिए मैं प्रत्याशी बन के आ रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी फिलहाल, और गांव-गांव में जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचे। बहुत से समाज है, जो समाज सभी समाज हो सकता है उसमें भी, क्योंकि गरीब जो परिवार है वो कहीं नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें सब समाज भी है, बहुत से समाज है। जैसे मैं किसी भी समाज का नाम नहीं ले सकता, उसमें हर समाज का ऐसा है जो नहीं उभर पाए, जो गाँव में रह रहे हैं, जो पिछड़े एरिए में रह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे अभी आगे, क्योंकि कुछ जो पद होते हैं वो समाज को ही दिए जाते हैं, उनके नियमित होते हैं कि ये पद की इस स्थान पे यही समाज का बैठना चाहिए, वो अभी से नहीं आ रहे, वो शुरू से रीत चली आ रही है। देखिए, मैं सब समाज के लिए आया हूँ, कुछ एक समाज के लिए किसी एक के ऊपर टिप्पणी करना मिली अच्छा नहीं होगा। मैं सब समाज के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। बिल्कुल उठानी चाहिए, जो यहाँ के जो माननीय विधायक लोग हैं उन लोगों को ये आवाज़ें उठानी चाहिए, और मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि इन आवाज़ों को कंटिन्यू उठाते रहिए। अगर आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे तो परसों सुनेंगे, और जब तक ना सुने मैं चाहता हूँ उन आवाज़ों को उठाते जाए। ये आंदोलन है, आंदोलनों को कभी भी शांत ना करें, अगर हम शांत बैठ गए तो हमारी आवाज़ों को हमेशा दबाया जाएगा। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम लोग काम करेंगे, और सरकार से निवेदन करते रहेंगे बार बार कि आप जो भी ये समस्या है उनको सोल्यूशन कीजिए चीज़ों का। लेकिन सरकार तो निवेदन पर कोई ज़्यादा फोकस ही नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी, एक दिन आज नहीं करेगी तो कल करेगी, कल नहीं करेगी तो परसों करेगी, मगर एक दिन तो उन्हें करना ही पड़ेगा। नहीं, फिर तो लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा ना। चुनाव देखिए, आज चीज चुनाव पे नहीं है, आज चुनाव है तो फिर कल भी चुनाव है, आज ही लोकसभा नहीं है, कल विधायक भी आगे, फिर दोबारा भाजपा कैंडिडेट का पूर्णतः विरोध किया जाएगा। देखिए, विरोध नहीं, बिहार में किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं विरोध कर रहा हूँ जो अभी तक समझिए हमारे कार्य नहीं हो रहे, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कार्य होंगे तो क्यों विरोध करेंगे हम किसी का? क्या होना चाहिए था अब तक, कैसा क्या काम है जो वो छूट गया, जो अब तक होना चाहिए था और हो नहीं पाया है? देखिए, पर वो स्पेशली एमपी द्वारा होना चाहिए था। आप देखिए कितनी बाढ़ आई है अभी तक, ठीक है, बाढ़ आ रही है, आप रुड़की को ले लीजिए, रुड़की को स्मार्ट सिटी बोला जाता है, जब बारिश आती है या बाढ़ आती है तो गली गलियों में पानी भर जाता है, उस पर विकास कहाँ हुआ है? स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, नालों का बराबर निकास होना चाहिए कि नालियाँ ना भरे, गलियाँ ना भरे, स्मार्ट सिटी का मतलब ही है। देखिए, उत्तराखंड में देखी जाती ना, फिलहाल तो अगर एक एरिए को सब एरिए में अगर हमारे मान लीजिए माननीय विधायक जी है या सांसद जी है हर एरिए से, वो उसको निवारण करेंगे तो जरूर होगा वो।